दोस्तों, क्या आप भी बुक करते हैं ऑनलाइन टिकट ट्रेनों में ट्रेवल करने के लिए? तो हो जाए सावधान, रेलवे ने यात्रियों को दी है बहुत ही बड़ी चेतावनी। ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग में आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में क्या चेतावनी दी है रेलवे ने और क्या नया नियम IRCTC ऐप पर IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग पर आया हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह अपडेट पाने के रेल जुड़ी हुई आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों रेल जुड़ी अपडेट आप सभी को कोई भी मिस ना हो। दोस्तों बता दें, रेलवे ने आधिकारिक यहाँ पर सूचना जारी करके यह बताया है कि कोई भी रेलवे स्टाफ या दोस्तों कोई भी जो आम यात्री हैं जो भी IRCTC ऐप से यहाँ पे बुक करते हैं, रेलवे RPF जो हर महीने सभी इंडिया में, आपको बता दें, दलालों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है यहाँ पे करता है। और जिसमें बता दें, हाल ही में फरवरी माह में किया गया ऑपरेशन उपलब्ध के द्वारा आपको बता दें 1459 दलालों को गिरफ्तार किया गया, साथ साथ 366 IRCTC एजेंट ID और साथ साथ यहाँ पे बता दें 6751 यानी कि 6751 पर्सनल ID यानी कि इंडिविजुअल आम नागरिकों का ID जो है ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें 1400-1500 दलालों को भी यहाँ पे पकड़ा गया है और उनको जेल भेजा गया है। और दोस्तों, रेलवे ने यह हिदायत दी है कि आप भी अगर टिकटों की बुकिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको नियम यहाँ पे जान लेना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल आदमी जो है, एक व्यक्ति महीने भर में सिर्फ और सिर्फ IRCTC ऐप या वेबसाइट से 6 टिकट ही अपने एक यूज़र ID से बुकिंग कर सकता है। इसमें बता दें, अपने नज़दीकी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनका ही टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगर आपके ID पर ज़्यादा गतिविधियाँ दिखाई देती हैं यानी कि आप किसी अन्य व्यक्ति का टिकट बुक करते हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो आपकी ID यहाँ पे गलत गतिविधियों में संलिप्त होते हुए ब्लॉक की जा सकती है। यह दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। और अगर आप अपने IRCTC ऐप पर या आपको ID पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करते हैं तो महीने में आपको 12 टिकटों की सुविधा मिलेगी। इससे दोस्तों आपको बता दें, रेलवे ने यह भी अपडेट दिया है कि जो भी यात्री हैं दलालों के चक्कर में ना फंसे। अगर दलालों की यहाँ पे पकड़ी जाती है और आप भी कभी नाम आता है तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये दोस्तों रेलवे ने बहुत ही बड़ी अपडेट दिया है। बाकी दोस्तों, और नई अपडेट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये अपडेट कैसा लगा नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। और आपको ये अपडेट पहले से पता था या नहीं ये भी कॉमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।